और गैस गेट के पास एंट्री के पास ही आपको बैठ और मैं आपको लाइट दिखाता हूँ, काफी खूबसूरत। तो गैस बर्थडे पार्टी वगैरह भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो गैस मैंने यहाँ पर कॉफी एक। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गैस नया साल में सब कुछ बंद हो चुका है, गैस पार्क वगैरह नहीं है, तो क्या किया जाए, किसी खूबसूरत रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो मेरे पीछे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो उसमें हम लोग जाएंगे, अपने फ्रेंड के साथ भी आप लोग आ सकते हैं। तो अंदर चलिए देखते हैं क्या भाई, क्यों इतना खूबसूरत है। ये गाइस वो फूड कोस्टा रेस्टोरेंट, तो उसमें हम लोग चलते हैं अंदर। तो गाइस मैं फाइनली अंदर आ चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत है इसका इंटीरियर डिज़ाइन, बहुत मेरे को अच्छा लगा। तो मतलब कि आप अपने फ्रेंड के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है यूनिक, क्या बैठने के लिए कैसा है। तो एंट्री गेट के पास ही आप लोग देखिए गाइस एक झूला लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत सा, बैठ के झूले के आप लोग यहाँ सेल्फी भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पर बैठ के सेल्फी फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, क्रिसमस के टाइम में आ नहीं पाया तो क्रिसमस ट्री भी लगा हुआ है देखिए। और चेयर टेबल वगैरह भी यहाँ पर लगा हुआ है, सोफ़ा वाला भी है, आप चाहे इस पर बैठ सकते हो, अगर कम्फर्टेबल नहीं हो तो यहाँ भी बैठ सकते हो। गैस गेट के पास एंट्री के पास ही आपको बैठने के लिए यहाँ पर टेबल रहेगा, यहाँ पर सिर्फ दो लोग बैठ सकते हैं देखिए, तो कपल लोग भी यहाँ पर आ सकते हो। फोटो सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर देखिए एक लगा हुआ है बोर्ड, कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बैठने का गैस कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एक अलग से भी है, आप लोग नीचे बैठ कर भी यहाँ अपने दोस्त के साथ चैट वगैरह कर सकते हो, गपशप कर सकते हो। तो काफ़ी खूबसूरत है गैस, जब बैठने के लिए कंफर्टेबल भी है, हर तरह का चीज़ लगा हुआ, मतलब नीचे बैठ के आप लोग बात कर सकते हो टेबल पर, या फिर वो जो झूला टाइप का लगा हुआ मेरे को वो शानदार लगा, जल्दी हम लोग नहीं मिलता है, सेल्फी फ़ोटो वगैरह भी आप लोग खींच सकते हो। और इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है, लाइट से जगमगा है, शाम के टाइम आप लोग आइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा दोपहर के टाइम आया हूँ। तो मेनू मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देख लीजिए यहाँ का मेनू है, क्या रेट वगैरह आपको चार्ट में देख लीजिएगा क्या क्या मिलने वाला है। तो बर्गर सैंडविच ये सब आपको मिल जाएगा, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी रोल्स, पास्ता, तो मैं पूरा आपको तो पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, आप लोग देख लीजिए क्या क्या मिलने वाला, रेट वगैरह यहाँ मेंशन किया हुआ है। और ये अलग से भी आया है वेज नूडल्स, ये सब नहीं था, तो ये सब भी मेनू में जुड़ चुका है, प्लस हो चुका है। तो आपको चिकन से रिलेटेड भी मिलने वाला है, वेज नॉन वेज दोनों आपको आइटम मिलने वाला है। देखिएगा सैनिटाइज़र का भी यहाँ पर रखा हुआ है, हर टेबल में एक सैनिटाइज़र होगा, ऐसा नहीं है, देखिए वहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ भी सैनिटाइज़र का बंदोबस्त किया हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात, जल्दी हम लोग मिलता नहीं कि टेबल पर सैनिटाइज़र, यहाँ पर सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। तो साइड में गाइस आपको एक मिरर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग खड़े होकर फोटो सेल्फी भी खींच सकते हो। और मैं आपको लाइट दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, देखिए जो सजा हुआ, यानी कि सिर्फ न्यू ईयर के लिए या क्रिसमस के लिए हमेशा सजा रहता है ऐसा ही। तो ज़्यादा लोगों का यही होता है कि फोटो सेल्फी वगैरह ले, तो मतलब रेस्टोरेंट में मतलब कि ऐसा रेस्टोरेंट वो खोजते हैं कि वहाँ फोटो भी खिंचवा सके, और यहाँ पर आप आइएगा तो यहाँ पर आपको वैसा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए कुछ खाते हैं, फिर मैं यहाँ क्या बताता हूँ कैसा टेस्ट लगता है। तो गाइस मैंने यहाँ पर कॉफ़ी एक ऑर्डर किया है, और खाने में पोटैटो स्पाइरल ऑर्डर किया है, आप लोगों को जो मर्जी आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, मैं बस यहाँ का टेस्ट करूँगा फिर आप लोग बताऊँ कैसा लगता है। देखिए गाइस एसी का बंदोबस्त किया हुआ, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप आइएगा तो पंखा आपको मिलने वाला है, गर्मी में आपको एसी रहेगा तो और अच्छा लगेगा, पंखा में ज़्यादा हर को कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो यहाँ का गाइस मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको समझ नहीं है कहाँ पर ये लोकेशन है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए कहाँ पर इसका एड्रेस है। तो गाइस बर्थडे पार्टी वगैरह भी आप यहाँ पर कर सकते हो सेलिब्रेट, बट कंडीशन है कि आपको एक दिन पहले बताना पड़ेगा, दो दिन पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर भीड़ लग जाए बढ़ जाएगा तो फिर जिस दिन आइएगा उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाइएगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा बर्थडे के लिए, केक वगैरह अपना खुद से ला सकते हैं, बैलून अगर सजवाइएगा यहाँ से तो आपको चार्ज लग जाएगा, अगर बैलून लगा हो तो ठीक है, पर अगर से आप डेकोरेशन कुछ और करवाना चाहते हैं तो आपको चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा।
फाइनली गाइस हमारे कोल्ड कॉफ़ी और स्पाइरल पोटैटो आ चुका है, इसको खाते हैं फिर मैं आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट। काफ़ी बढ़िया है, क्रिस्पी है और ये अच्छा से पका हुआ है, देख लीजिए। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मेरे को एक कूपन मिला है, देखिए गिफ्ट वाउचर है 5% ऑफ, मतलब आप किसी हर संडे को आइएगा तो आपको 5% छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा खाने पे, तो बहुत ही अच्छा है गाइस। तो फाइनली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर गाइस।